चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखें आज का पहला प्रश्न। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन ग्रेशम के नियम की व्याख्या करता है? ऑप्शंस हैं ए, यह एक मौद्रिक सिद्धांत है जो कहता है कि अच्छा पैसा बुरे को बाहर निकाल देता है। बी, बढ़ती घरेलू आय और कुल भोजन खर्च के बीच संबंध। सी, यह एक मौद्रिक सिद्धांत है जो कहता है कि बुरा पैसा अच्छा पैसा निकाल देता है। डी, अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रम मुख्य रूप से निम्न और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से उच्च वर्ग द्वारा भुगतान किए गए करों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसका सही उत्तर है सी, यह एक मौद्रिक सिद्धांत है जो कहता है कि बुरा पैसा अच्छा पैसा निकाल देता है। ग्रेशम का कानून, जिसका नाम थॉमस ग्रेशम के नाम पर रखा गया है, कहता है कि बुरा पैसा अच्छा पैसा निकाल देता है। जब सरकार दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर को बाजार दर से भिन्न स्तर पर तय करती है, इससे कम मूल्य वाली मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है, जबकि अधिक मूल्य वाली मुद्रा बनी रहती है, लेकिन खरीदारों की कमी होती है। जब निर्धारित कीमत के कारण मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो कानून के कारण मुद्रा की कमी हो सकती है। ग्रेशम का नियम न केवल कागजी मुद्राओं पर बल्कि वस्तुओं पर भी लागू होता है। यह औपचारिक बाजार से वस्तुओं के गायब होने का कारण बन सकता है, जब उनकी कीमतें सरकारों द्वारा जबरन कम आंकी जाती हैं। दूसरी ओर थियर्स का कानून कहता है कि अच्छा पैसा बुरे पैसे को बाहर निकाल देता है। जब लोगों को मुद्राओं के बीच चयन करने की स्वतंत्रता होती है और वे उच्च गुणवत्ता वाली मुद्राएं पसंद करते हैं। आइए देखें आज का दूसरा प्रश्न। जस्टिस गीता मित्तल समिति, जो हाल ही में खबरों में थी, किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, जेल सुधार, बी, महिला आरक्षण, सी, मणिपुर हिंसा और डी, चुनाव सुधार। इसका सही उत्तर है सी, मणिपुर हिंसा। न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति का गठन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास, घरों, धार्मिक स्थलों की बहाली में हस्तक्षेप करने और निगरानी करने के लिए किया गया था। यह 3 सदस्यीय समिति है जिसकी अध्यक्षता जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल करती हैं। इसमें अन्य 2 सदस्यों के रूप में जस्टिस शालिनी फण सर्कल जोशी और आशा मेनन हैं। तीसरा प्रश्न, नोबेल पुरस्कार भौतिकी 2023 किसके लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए, प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करती हैं। बी, उलझे हुए फोटोन के साथ प्रयोग बेल असमानताओं का उल्लंघन स्थापित करना और क्वांटम सूचना विज्ञान का नेतृत्व करना। सी, भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजें। डी, एक सौर प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक एक्सोप्लैनेट की खोज करना। इसका सही उत्तर है ए, प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करती हैं। भौतिकी के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउस और एनी एल हुलियर द्वारा साझा किया गया था। उनके प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं। एटोसेकंड भौतिकी हमें उन तंत्रों को समझने का अवसर देती है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा शासित होते हैं। एटोसेकंड पल्स वैज्ञानिकों को अविश्वसनीय रूप से कम समय अवधि में होने वाली गतिविधियों की छवियों को कैप्चर करने की अनुमति देते हैं। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक ऐसे स्पंदनों का उपयोग सामग्री विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कैटालिसिस जैसे क्षेत्रों में निहित अल्पकालिक परमाणु और आणविक प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। विजेताओं को उन प्रयोगों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिन्होंने वैज्ञानिकों को प्रकाश की अल्ट्रा शॉर्ट पल्स उत्पन्न करने की अनुमति दी है, जिसके साथ वे अंततः इलेक्ट्रॉनों की सुपरफास्ट दुनिया में सीधे देख सकते हैं। चौथा प्रश्न, MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक,
न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। दो, भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम के शुरुआत में न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती है। सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शंस हैं केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, दोनों। एमएसपी किसी भी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए समर्थन के योग्य है। यह वह कीमत भी है जो सरकारी एजेंसियां किसी विशेष फसल की खरीद पर भुगतान करती हैं। एमएसपी निम्नलिखित फसलों के लिए दिया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। सीएसीपी भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। यह एक सलाहकार निकाय है जिसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। अनिवार्य फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी गोवा, सी केरल और डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ए गुजरात। गुजरात ने हाल ही में पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेजी से बढ़ने वाली यह विदेशी मैंग्रोव प्रजाति, जिसे स्थानीय तौर पर सप्तपर्णी कहा जाता है, पिछले कुछ वर्षों में राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गई है। इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज यहीं पर समाप्त होते हैं। कल हम मिलेंगे कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.